नमस्कार। क्लियर कट का यह एक बेहद संजीदा एपिसोड होने वाला है, क्योंकि एपिसोड की शुरुआत में मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि क्या तालिबान का उपज या तालिबान का ओरिजिन भारत है? जी हाँ, घबराइए मत, इस एपिसोड के अंत में आपको यह पता चल जाएगा कि क्या तालिबान भारत से ही निकला है या नहीं। दरअसल NPR ऑर्गेनाइजेशन की एक बेहद खूबसूरत रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि देश की राजधानी दिल्ली से 100 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के देवबंद इलाके में जो दारुल उलम देवबंद है, उसकी कहानी क्या है। दरअसल मैं आपको लेकर चलता हूँ सन 1866 में, जब भारत अंग्रेज़ों का ग़ुलाम था। भारत में उस वक्त जितने भी मुस्लिम कौम के लोग थे, उन्हें इस बात से काफ़ी चिंता थी और एक मलाल भी थी कि किस प्रकार अंग्रेज़ों ने मुग़लों से सत्ता छीन लिया, या यूँ कहें कि मुग़लों ने सत्ता अंग्रेज़ों के सामने रख दिया। इस बात को लेकर भारत के जितने भी मुसलमान थे, उन लोगों ने यह फ़ैसला किया कि हमारे देश के अंदर और दूसरे देशों में जाकर इस्लाम को बढ़ावा दिया जाएगा और इस्लाम की पढ़ाई लोगों तक पहुँचाई जाएगी। फिर जब आज़ादी की बात आई तो दारुल उलम देवबंद ने महात्मा गांधी के साथ देश की आज़ादी के लिए कंधे से कंधा मिलाकर अपना योगदान दिया, और जब देश आज़ाद हो गया तो फिर यह ऑर्गेनाइजेशन ने फैसला किया कि अब यह भारत के साथ साथ इंडोनेशिया, मलेशिया, साउथ एशिया और पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी अपनी पढ़ाई को बढ़ाएगा। इसी दौरान देवबंद का रिश्ता तालिबान से जुड़ता है। दरअसल जब देवबंद ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान और अफगानिस्तान में गठन की गई, तो उस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान से कुछ ऐसे भी बच्चे पढ़ाई करने आए जो बाद में चलकर उन लोगों ने तालिबान गठन की। जी हाँ, तालिबान के लेट फाउंडर मुल्ला मोहम्मद उमर इसी देवबंद सेमिनरी से ग्रेजुएट थे। वो देवबंद था पाकिस्तान में, और फिर इसी देवबंद की पढ़ाई को तालिबान ने किस तरीके से इस्तेमाल किया उसे जानिए। कि जब पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में देवबंद ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्मेशन हुई, तो वहाँ पर एक बात हमेशा कही गई कि जिस तरीके से भारतीय मुसलमानों ने भारत को अंग्रेज़ों से आज़ाद किया है, उसी तरह अफ़गानिस्तान को भी तालिबानी ग्रुप रसिया, अमेरिका और दूसरे देशों के कब्ज़े से आज़ाद करेगा, और यही तालिबान चाहता रहा है। फिर जब ये बात भारत में मौजूद देवबंद के 80 साल के प्रिंसिपल मौलाना अशद मदनी से पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि जी हाँ, तालिबान जो बात कहता है वह कहीं ना कहीं देवबंद से जुड़ा हुआ है, क्योंकि देवबंद की नींव ही भारत की आज़ादी के लिए रखी गई थी। लेकिन देवबंद और तालिबान में क्या अंतर है वह जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि यही सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है इस पूरे एपिसोड का। भारत में मौजूद देवबंद के प्रोफेसर मदनी ने बताया कि जो तालिबान अफगानिस्तान पर इस वक्त राज कर रहा है, उसकी कोई भी आइडियोलॉजी भारत के देवबंद ऑर्गेनाइजेशन से नहीं मिलती है, क्योंकि तालिबान का कोई भी नेता या स्टूडेंट या आतंकवादी या मंत्री या सरकार के कोई भी लोग देवबंद भारत से जुड़े हुए नहीं हैं, और न ही भारत में मौजूद देवबंद ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी इंसान अफगानिस्तान में मौजूद तालिबान सरकार की पैरवी कर रहा है। प्रिंसिपल मदनी ने बताया कि इस वक्त तालिबान खुद को देवबंद से जोड़ रहे हैं, लेकिन तालिबान में 99% लोग ऐसे हैं जो कभी भी भारत नहीं आए हैं, तो आखिर वो किस हैसियत के साथ खुद को देवबंद के साथ जोड़ सकते हैं। और प्रिंसिपल मदनी की कई बातों को भारत और दुनिया के स्कॉलर्स ने सही साबित किया है। दरअसल कई स्कॉलर्स का मानना है कि जो तालिबान की आइडियोलॉजी है या तालिबान जिस देवबंदी को मानते हैं, उसका रिश्ता नाता कभी ओरिजिनल देवबंदी के साथ रहा ही नहीं,